अभी राम राम नीचे राम राम अभी तो ये पहली मंजिल है तुम तो अभी से घबरा गए मेरा क्या होगा। बारिश का सीजन है लेकिन आज बड़ा आंध लगा है। ऐसे नए बरा कीजिए मुलेम से कितना हिसाब होगा इसका? कोई पुराना हिसाब बाकी था? पुराना हिसाब बाकी है। चलो बताना कितने हिसाब है। 450 रुपये हो गए मतलब तेरे में। ये 500 रुपये ठीक है और ऐसे ही बढ़िया माल लेके आता रही हो ठीक है बाबूजी। Woo!
भाई 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 आप ठीक हो? हाँ भाई। भाई आप भी लकड़ियाँ काटने आए थे यहाँ पर? नहीं भाई, मैं एनवायरनमेंट को साफ करता हूँ। अब आप ठीक हो ना? हाँ भाई मैं तो ठीक हूँ। चलो आप अपना ध्यान रखना, मैं चलता हूँ। ऐसा करता हूँ, नदी में जाकर देखता हूँ। पानी तो सचमुच खराब हो रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा तुझे। हेलो दीपक, कहाँ पे है? घर पे क्या कर रहा है यार? जल्दी आ, मेरे को काम है। कहाँ खड़ा हूँ? क्या समझ में क्या खड़ा हूँ मैं तेरे घर उसके बाहर यार, गांव के बाहर। जल्दी आ, कितनी देर में आ रहा है? 5 मिनट में। और गौतम भाई क्या है? बैठ जा। क्या काम तो बताओ। कुछ नहीं यार, ले पहले तो कॉफी पी दो। चल रहा है मेरा काम कर, मेरे को ज्ञान मत मिल, ठीक है? मेरे को पीने दे, देखो नहीं पीनी तो मत पी। तो मेरा काम सुन पहले, उसके बाद देखना मेरे को पीने दे से। और बता क्यों बुलाया था तूने मुझे? यार एक काम था, चल के आना है थोड़ा सा काम से। चलेगा तो साथ में? यार मेरी तो जीरी कटी है यार, वो देख वहाँ पे आगे वहाँ मेरी जीरी कटी है, मेरे को तो टाइम नहीं है यार। देख ले थोड़ा, थोड़ी देर का टाइम है। क्या काम क्या था? अरे था यार एक काम, तेरे को जाके बताऊंगा। वैसे तो मैं तेरे को क्या ही बताऊँ। फिर अगर तुझे चाहिए तो मेरी बाइक ले जा। चल यार ठीक है, तो चाबी दे ले, बाइक ले जा। चल ठीक है यार, फिर चल। ठीक है चल, फिर मेरे को काम से यार, काम है टाइम। चल जी बात है यार, पहले तो बड़ा बाबूजी करता था, आज ये बात भी नहीं की इसने। चल होगी कोई प्रॉब्लम, देखना पड़ेगा तो क्या हुआ है। मामला
भाई लकड़ी काम नहीं छोड़ दे, काम ही छोड़ दी तूने, छोड़ दे चल रहा तेरा धूप में पेड़ लगा रहे निकल रही थी बस बाबू जी। आजकल क्या हो गया तेरे को, तो लकड़ियां लुकड़ियां लेके भी नहीं आ रहा। बस बाबू जी क्या बताऊं, बताना मैं सुन रहा हूँ यार, तू क्या हो गया तेरे को। बाबू जी एक दिन मैं ना जंगल में लकड़ियां काट रहा था, लकड़ियां काटते काटते ना बाबू जी मेरे सिर पे ना लकड़ी की टहनी गिर गई है, उस टहनी से ना बाबू जी मैं बेहोश हो जाता हूँ। बेहोशी के बाद ना बाबू जी मैं देखता हूँ कि 2060 में ना सब कुछ सूखा पड़ चुका है, सारे जंगल जो हैं वो कट चुके हैं, उनकी जगह पर फैक्ट्रियां लग चुकी हैं, नदियों का पानी जो है वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है बाबू जी। बाबू जी अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो सच्ची में बाबू जी आने वाले समय में ग्लोबल वार्मिंग इतनी खतरनाक हो जाएगी कि पूरी पृथ्वी ही खत्म हो जाएगी। तो बाबू जी मैंने तो सोच लिया है कि मैं कैसे इस ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकता हूँ, तो इसलिए बाबू जी मैंने ना लकड़ियाँ काटने का काम बंद कर दिया है और अब से मैं ना पर्यावरण को साफ सुथरा रखने का काम करता हूँ, जिससे एक तो पर्यावरण भी साफ हो जाता है और ऊपर से बाबू जी मेरा खर्चा भी चल जाता है। बाबू जी ये जो आप कबाड़ पी रहे हो ना, इससे एक तो आपके शरीर का नुकसान हो रहा है और ऊपर से ही पर्यावरण को भी नष्ट कर रहा है। ये चीज तो मेरे दोस्त ने मेरे को काफी टाइम से समझा रहा था, तो मैंने उसकी बात नहीं मानी, दोस्त की बात थोड़ी सुनता है आपके, ठीक है। पर यार आज तेरे को देख के मेरे को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो आज भी से ऐसे ही खिला लेते हैं। चीन टपाक डम डम फिर किसी के चेहरे का रंग खिल गया, बिछड़ा हुआ आज कोई उसको मिल गया, कैसे मिल गया।